गुड मॉर्निंग एवरीवन, डियर स्टूडेंट्स, फैक्टर थ्योरम को पढ़ने के बाद में आज हम उससे रिलेटेड एक्सरसाइज को करेंगे। तो एनसीईआरटी 9th क्लास के मैथमेटिक्स के अंदर एक्सरसाइज नंबर 2.4, उसका फर्स्ट क्वेश्चन है जो बेस्ड है फैक्टर थ्योरम के ऊपर। तो बच्चों शुरू करते हैं, हम पहले क्वेश्चंस को देखते हैं। सबसे पहले बच्चों अपने पास जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है एक्सरसाइज 2.4 का, डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स हैज एक्स प्लस वन ए फैक्टर। इनमें से किस पॉलिनोमियल का एक्स प्लस वन एक फैक्टर है। तो हमारे पास हमें फाइंड आउट करना है इन चार ऑप्शंस में, या आप कह सकते हो ये चार पार्ट गिवन है हमें, इन चारों पार्ट में से कौन कौन से पॉलिनोमियल का ये x प्लस वन एक फैक्टर है। तो बच्चों फैक्टर थ्योरम में हमने पढ़ा था कि मान लो कोई भी एक पॉलिनोमियल है, कोई भी p ऑफ x, सपोज दिस इज ए पॉलिनोमियल, उसमें मैं एक वैल्यू पुट करता हूँ, एक नंबर जो रियल नंबर है होता है, और रियल नंबर से बच्चों मान लो वो a वैल्यू पुट करता हूँ मैं, अगर p ऑफ a ज़ीरो आ जाए तो आप लिखेंगे, यहाँ पर मैंने a लिया है तो आप लिखोगे x माइनस a, वो इसका फैक्टर होगा। चलो क्वेश्चन करते हैं इसके बेस पे, देखिए आपको समझ आएगा। सबसे पहले तो बच्चों फर्स्ट पार्ट है इसका गिवन, जिसमें लिखा है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। सो डियर स्टूडेंट, इसका फर्स्ट पार्ट ले रहे हैं हम, ये एक पॉलिनोमियल गिवन है हमें पी ऑफ एक्स, मैं अज्यूम कर लेता हूँ इसको कि ये पी ऑफ एक्स है, इट इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। हमें फाइंड आउट करना है कि एक्स प्लस वन इसका फैक्टर है या फिर नहीं है। तो सबसे पहले बच्चों ध्यान से सुनना, एक्स प्लस वन को मैं ज़ीरो के इक्वल पुट करूँगा और यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालूंगा माइनस वन, और x माइनस वन निकाला मैंने और यहाँ पर इसमें वैल्यू पुट करूँगा, तो मैं p ऑफ x की वैल्यू x इज इक्वल टू माइनस वन पर निकालता हूँ, यानी माइनस वन पॉइंट पर निकालता हूँ। तो बच्चों यहाँ पर पुट कीजिए, इसमें वैल्यू जहाँ पर भी इस पॉलिनोमियल में x है उसकी जगह हम क्या पुट करेंगे, माइनस वन। हेयर x माइनस वन पुट किया मैंने x की जगह पे, और इसका पावर थ्री प्लस माइनस वन रेज टू पावर टू प्लस एक्स की जगह माइनस वन और प्लस वन। तो प्यारे बच्चों आप देखते हैं पी माइनस वन अपने पास आता है, ये देखिए प्यारे बच्चों जब भी हम इसका क्यूब करते हैं तो क्यूब कैसे किया जाता है, किसी की भी पावर माइनस वन की पावर मान लो अपने पास टू है तो हम इसको लिख सकते हैं माइनस वन इंटू माइनस वन, और जब इनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो अपने पास आएगा प्लस वन। सिमिलरली अगर मान लो हमें क्यूब लिखना है माइनस वन रेज टू पावर थ्री, इसकी पावर थ्री निकालनी है, इसका मतलब होता है माइनस वन इंटू माइनस वन और इंटू माइनस वन। तो बच्चों जब इनकी मल्टीप्लिकेशन आप करोगे तो आपके सामने आएगा वन की मल्टीप्लिकेशन वन से करेंगे तो वो तो वन ही आएगा, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो इनकी आई वन, और बच्चों इसको फिर हम माइनस वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास आंसर आएगा माइनस वन। यानी अगर एक्स क्यूब है तो, और हम वैल्यू पुट करते हैं तो इसकी वैल्यू आएगी बच्चों माइनस वन, यहाँ मैंने इसका क्यूब किया, प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो बच्चों माइनस, जब भी कोई भी नेगेटिव इंटीजर होता है उसको हम स्क्वायर करते तो उसका पॉजिटिव आता है इंटीजर रिजल्ट, तो ये बनेगा बच्चों अपने पास प्लस वन प्लस, और ये माइनस प्लस इट बिकम माइनस, और बच्चों ये है प्लस वन, तो अपने पास आता है माइनस वन माइनस वन माइनस टू, दोनों को हमने ऐड किया और इनको ऐड करेंगे तो प्लस टू, दोनों कैंसिल होगी, अपने पास वैल्यू कितनी आएगी ज़ीरो। तो बच्चों एक बार चेक करके देखो, p माइनस वन जीरो आ रहा है, यस आई वी आर गेटिंग इट ज़ीरो, तो आप कहेंगे कि यस दिस x प्लस वन इज द फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, लिख देना है यस x प्लस वन इज द
गिवन पॉलिनोमियल, हमें इसमें कौन सा पॉलिनोमियल गिवन है बच्चों, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और प्लस वन। उम्मीद करता हूँ बच्चों ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ठीक इसी तरीके से हम इसका दूसरा पार्ट करेंगे, तीसरा करेंगे, फोर्थ करेंगे। तो बच्चों मैं इसमें से फोर्थ पार्ट लेता हूँ, बाकी के दो पार्ट आप खुद ट्राई करेंगे, मैं फोर्थ पार्ट को आपको सोल्व करवा के दिखाता हूँ। तो सबसे पहले बच्चों अपने पास जो फोर्थ पार्ट है उसको लेते हैं। यहाँ पर पी ऑफ एक्स यानी जो हमें पॉलिनोमियल गिवन है उसकी वैल्यू है इस केस में बच्चों पी ऑफ एक्स फोर्थ पार्ट में एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस टू प्लस रूट टू इंटू एक्स प्लस रूट टू। एंड वी हैव टू फाइंड आउट, हमें फाइंड आउट करना है कि बच्चों x प्लस वन इसका फैक्टर है या फिर नहीं है। तो सबसे पहले हम x प्लस वन को जो हमें फाइंड आउट करना है ये इसका फैक्टर है या नहीं, उसको किसके बराबर पुट करेंगे, जीरो के। और यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे, x इज इक्वल टू अपने पास आता है माइनस वन, ये इधर जाने पर क्या हो जाएगा बच्चों माइनस वन। अब जो x की वैल्यू आती है उस x की वैल्यू को हम पुट करेंगे इसमें, तो हमें इस पॉलिनोमियल की वैल्यू जिस पॉइंट पे निकालनी है वो कौन सा है, माइनस वन पे। तो बच्चों पुट करेंगे हम वैल्यू यहाँ पर x, इसकी जगह x की जगह माइनस वन रखा, इसकी पावर थ्री, माइनस का x की जगह पुट करता हूँ मैं वैल्यू माइनस वन एंड इट्स पावर टू माइनस टू इंटू माइनस टू प्लस रूट टू इंटू एक्स की जगह पे वैल्यू पुट करते हैं बच्चों हम माइनस वन और प्लस का रूट टू। तो बच्चों ऐसे ही हम फाइंड आउट करेंगे यहाँ से वैल्यू, वैल्यू फाइंड आउट करने पे हमें क्या मिलेगा, पी माइनस वन इज इक्वल टू दिस इज माइनस वन, अभी अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था माइनस, और ये क्या आएगा बच्चों अपने पास, इसका स्क्वायर करेंगे तो नेगेटिव इंटीजर का स्क्वायर क्या आता है कि पॉजिटिव रिजल्ट आता है। तो यहाँ से मैं लिखता हूँ माइनस, देखो बच्चों माइनस वन मल्टीप्लाई करूँगा तो इसके साथ वन, ये क्या बन जाएगा अपने पास पॉजिटिव। तो एक बार ध्यान से सुनना, नेगेटिव और नेगेटिव, इसका नेगेटिव और इसका नेगेटिव दोनों क्या होंगे पॉजिटिव, वन इंटू टू प्लस में रूट टू और प्लस रूट टू, इज इट क्लियर। अब देखिए बच्चों हम यहाँ से निकालेंगे पी माइनस वन, ये अपने पास माइनस वन माइनस वन माइनस टू दोनों को ऐड किया हमने प्लस में इसको किया टू, मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो टू प्लस रूट टू प्लस रूट टू, इज इट क्लियर। अब देखिए बच्चों यहाँ से ये तो कैंसिल हो जाता है कि माइनस टू में से या प्लस टू में से माइनस टू करेंगे ये जीरो आया, क्या ये जीरो आया, नहीं। इसको आप कैसे ऐड करोगे, ऐसे p माइनस वन इसको लिखोगे बच्चों आप, देखिए दोनों में से क्या कॉमन है, रूट टू कॉमन है, रूट टू आपने कॉमन लिया, यहाँ पर वन बचा और प्लस में यहाँ पर, तो दोनों कितने हुए वन प्लस वन टू, तो इसको आप लिखोगे बच्चों टू रूट टू। तब बताओ क्या ये वैल्यू जीरो है, तो आप लिखोगे इट इज़ नॉट इक्वल टू जीरो, हैंस एक्स माइनस वन इज सॉरी एक्स प्लस वन इज नॉट द फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो बच्चों फोर्थ पार्ट में हमें ये इसका पॉलिनोमियल का फैक्टर नहीं मिला, हमें पहले पार्ट में देखा हमने ये एक्स प्लस वन इसका फैक्टर है। सिमिलरली बच्चों यहाँ पर सिंपली आपको वही वैल्यू माइनस वन पे इसकी वैल्यू निकालनी है इस पॉलिनोमियल की और इसकी वैल्यू, अगर ये जीरो के इक्वल आता है तो एक्स प्लस वन इसका फैक्टर है, इज इट क्लियर। नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों ये दो क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने हैं खुद। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेकेंड, अभी ठीक उसी फैक्टर थ्योरम के बेस है ये क्वेश्चन।
तो बच्चों दूसरा क्वेश्चन है, यूज द फैक्टर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम को यूज करके टू डिटरमाइन वेदर द जी ऑफ एक्स इज ए फैक्टर ऑफ पी ऑफ एक्स इन ईच ऑफ फॉलोइंग केसेस। सभी केसेस के अंदर से हमें पता करना है कि जी ऑफ एक्स भी एक पॉलिनोमियल है और पी ऑफ एक्स भी एक क्या है, पॉलिनोमियल। तो जी ऑफ एक्स इसका फैक्टर है या नहीं है हमें इन गिवन पॉलिनोमियल्स के अंदर फाइंड आउट करना है। तो बच्चों पी ऑफ एक्स की वैल्यू भी हमें गिवन है और जी ऑफ एक्स की वैल्यू भी हमें गिवन है, फैक्टर थ्योरम का यूज करना है। अभी बात सुनना, सबसे पहले मैं इसका पहला पार्ट लेता हूँ, पहले पार्ट को देखिए। यहाँ पर पी ऑफ एक्स गिवन है हमें, पी ऑफ एक्स मीन्स बच्चों डिनोट कर रखा है, पॉलिनोमियल है ये, इट इज इक्वल टू 2x³ प्लस x² माइनस का 2x प्लस 1, ये एक पॉलिनोमियल है। यहाँ पर गिवन है हमें फाइंड आउट करना है g ऑफ x, ये गिवन है x प्लस 1, फाइंड आउट करना है कि ये इसका फैक्टर यानी g ऑफ x इसका फैक्टर है या फिर नहीं है। तो बच्चों मैं एक बार आपको रिमाइंड करवा देता हूँ, फैक्टर थ्योरम हमें क्या बताती है, अगर ये पॉलिनोमियल इसका फैक्टर है तो बच्चों यहाँ पर आप जो भी वैल्यू गिवन है वेरिएबल के साथ, ये प्लस वन है तो इसकी वैल्यू निकालोगे माइनस वन पे, यानी सिंपली आप इसको पहले किसके बराबर पुट कर दोगे, ज़ीरो के। अब जीरो पे यहाँ से हमें x प्लस वन इज इक्वल टू ज़ीरो पुट करते हैं तो x की वैल्यू निकालनी है हमें, इट इज़ इक्वल टू माइनस वन। अब बच्चों यहाँ से हमने माइनस वन निकाल लिया, अब जो वैल्यू अपने पास आई x प्लस वन की उसको पुट करेंगे हम इस पॉलिनोमियल में, और अगर ये जीरो के इक्वल आता है तो हम कहेंगे ये जी ऑफ एक्स या जो किसके बराबर गिवन है हमें x प्लस वन, वो क्या होगा इसका फैक्टर। ठीक है, तो इस केस में सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना है p x की जगह हम माइनस वन रखेंगे, और अगर ये जीरो के इक्वल आता है तो ये इसका फैक्टर होगा। पुट करो वैल्यू, 2 इंटू में माइनस वन रेज टू पावर 3 प्लस माइनस वन रेज टू पावर 2 माइनस का 2 इंटू माइनस वन और प्लस 1। तो प्यारे बच्चों 2 मल्टीप्लाई, जब हम 1 माइनस 1 का क्यूब करेंगे तो इसका आंसर आएगा बच्चों अपने पास माइनस 1, प्लस और माइनस वन का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर करने पर जब भी अपने पास आंसर आएगा वो आएगा 1। माइनस टू और माइनस और माइनस ये क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस, मल्टीप्लिकेशन किया 2 इंटू 1 तो ये माइनस टू, माइनस माइनस कितना हो जाएगा बच्चों प्लस, और प्लस में 1। अब आप करके देखिए, देखिए सामने देखिए, ये अपने पास कितना आया माइनस टू प्लस 1 प्लस 2 और माइनस प्लस 1, ये अपने पास आता है बच्चों वैल्यू। ठीक है, अब देखिए 2 से 2 तो क्या हो जाता है बच्चों कैंसिल, इनको ऐड करो 1 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 2, क्या 2 0 के इक्वल होता है, नहीं। तो आप कहेंगे एट x इज इक्वल टू माइनस 1 P of x is not equal to 0. P of x 0 के इक्वल नहीं है, सो x प्लस 1 इज जो किसके बराबर गिवन है हमें बच्चों g of x, x प्लस 1 इज नॉट द फैक्टर ऑफ पी ऑफ एक्स, ये इसका फैक्टर नहीं है। सिमिलरली बच्चों हम अगर सेकेंड पार्ट में देखें तो मेरे हिसाब से आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। तो जी ऑफ एक्स जो भी है पहले हम इसको किसके इक्वल पुट करेंगे, जीरो के, यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालेंगे और फिर इस पॉलिनोमियल में वैल्यू पुट कर दें, अगर ये जीरो के इक्वल आया तो ये इसका फैक्टर होगा, अदरवाइज इसका फैक्टर नहीं है। नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं बच्चों। अब वो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, अपने पास
मैं इसका एक पार्ट और करवा रहा हूँ, आपको एक खुद करना है। तो आप कोई भी देख लीजिए इन दोनों में से, मैं थर्ड वन ले लेता हूँ, इनके तीन पार्ट है और यही आपका होमवर्क रहेगा, ये आपको आज फिर नोटबुक में करना है। तो थर्ड पार्ट में इसका गिवन है बच्चों, पी ऑफ एक्स इट इज गिवन, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस का एक्स क्यूब माइनस फोर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस सिक्स, ये गिवन है बच्चों हमें पी ऑफ एक्स। और जी ऑफ एक्स कितना गिवन है, जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस थ्री। तो सबसे पहले बच्चों जो जी ऑफ एक्स हमें पॉलिनोमियल गिवन है उसको हम किसके बराबर पुट करेंगे, जीरो के, और यहाँ से किसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, एक्स, माइनस उधर जाएगा तो बच्चों क्या हो जाएगा, प्लस। अब जो ये वैल्यू अपने पास एक्स की आई है उसकी वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे, तो हमें पी थ्री पे निकालना, यानी एक्स इज इक्वल टू थ्री इस पॉइंट पे वैल्यू निकालनी। तो करिए मल्टीप्लाई, थ्री एक्स की जगह पुट करते हैं थ्री रेज टू पावर थ्री माइनस का फोर इंटू में थ्री रेज टू पावर टू और प्लस थ्री प्लस सिक्स। अब यहाँ से बच्चों आप फाइंड आउट करते हो थ्री रेज टू पावर थ्री, थ्री रेज टू पावर थ्री के मीन्स होता है थ्री रेज टू पावर थ्री, थ्री इंटू थ्री इंटू थ्री इज इक्वल टू थ्री रेज टू पावर थ्री। पहले इनका मल्टीप्लिकेशन किया हमने, थ्री इंटू थ्री नाइन, यहाँ पर अपने पास एक थ्री बचता है तो अपने पास आता है ट्वेंटी सेवन इज इक्वल टू थ्री रेज टू पावर थ्री। तो हम यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं तो अपने पास आया ट्वेंटी सेवन माइनस फोर इंटू थ्री रेज टू पावर टू। बच्चों थ्री रेज टू पावर टू करोगे तो आपके पास थ्री इंटू थ्री, और थ्री इंटू थ्री कितना होता है नाइन, प्लस थ्री और प्लस सिक्स। वैल्यू पुट करते हैं ट्वेंटी सेवन माइनस नाइन फोर जा थर्टी सिक्स प्लस थ्री और प्लस सिक्स। तो बच्चों जब आप इनको ऐड करते हो ट्वेंटी सेवन प्लस थ्री थर्टी प्लस सिक्स थर्टी सिक्स, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो ये अपने पास थर्टी सिक्स माइनस थर्टी सिक्स इट इज़ ज़ीरो। तो आप कहेंगे कि पी ऑफ थ्री वो कितना आया है, इट इज़ इक्वल टू ज़ीरो। हैंस इन दिस केस, बच्चों जी ऑफ एक्स हमें कितना गिवन था, एक्स माइनस थ्री, हैंस इन दिस केस g of x is the factor of p of x। यहाँ पर बच्चों ये p of x है और ये क्या है, g of x। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों इस एक्सरसाइज के दोनों क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे, और इनको आपको फिर नोटबुक में करना है, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप डिस्कस करेंगे। थैंक यू।